हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पॉकी मिक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक्स। सो गाइस, फेस्टिव चीज चल रही है ऑन दिस चैनल, एंड जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं लेके आई हूँ फेस्टिव हॉल पार्ट टू। कुछ चीज़ें मैंने आपको पार्ट वन में दिखाई थी और आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप सबने बहुत व्यूज़ दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई फेस्टिव सीरीज सो मच। एंड आज है फेस्टिव हॉल पार्ट टू। तो इससे पहले कि वीडियो की तरफ पढ़े, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए गाइज। मैं बहुत सारी अपडेट्स डाल रही हूँ, मैं बहुत सारी रील्स डाल रही हूँ, तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे अगर आप वहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स, डू फॉलो मी देयर। और चलिए अब लेट्स स्टार्ट दिस फेस्टिव हॉल वीडियो। सो मैंने काफ़ी चीज़ें आजियो से मंगाई थी, एंड कुछ चीज़ें और मैंने अलाया से मंगाई थी, कुछ और भी चीज़ें हैं। तो ये पूरा यू नो पार्ट टू ऑफ द फेस्टिव हॉल है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मैंने जो क्लोथिंग आइटम्स मंगाए आजियो से। सो फर्स्ट सूट इज दिस सूट, ये जो है ब्रांड ट्रू ब्राउन्स का जो है सूट सेट है। तो इसमें है ये फ्यूशिया कलर का कुर्ती, बहुत ही स्मार्ट कुर्ती है, इसमें पॉकेट्स भी हैं, वी नेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसकी जो स्लीव्स भी है वो यहाँ तक है। इसको मैं ऑलरेडी फेस्टिव हॉल्स में लुक बुक में पहन चुकी हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं। एंड इसके साथ ये पैंट्स है, और सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगा कि इसके साथ एक जैकेट भी है, बिकॉज़ ये जो श्रग्स आते हैं ना अलग से, इनको मैं बहुत वे में स्टाइल कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये जो है सूट सेट लिया पूरा। तो दिस इज़ द श्रग जो कि इस तरह से है, नीचे में इस तरह की पिंक बॉर्डर है। तो मुझे ये सूट सेट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसको पिंक कुर्ती पैंट्स को अलग से भी पहन सकती हूँ, एंड मैं विद श्रग भी पहन सकती हूँ। ये विंटर वेडिंग्स के लिए भी बहुत अच्छा लुक है। अगर आप ऑफिस में यू नो फेस्टिव ओकेजन मना रहे हैं ना, ऑफिस में भी पार्टीज होती हैं, दिवाली पार्टीज एंड ऑल दैट, तो आप उसमें भी पहन सकते हैं। तो मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसको डिफरेंट वेज में, डिफरेंट ओकेजन्स में, डिफरेंट एक्सेसरीज के साथ स्टाइल करके यू नो एक अच्छा लुक बनाया जा सकता है। सो मैंने इसको फेस्टिव लुक बुक में पहना था विद अ लॉन्ग पर्ल नेकलेस, एंड बाल यही कर्ल्स किए थे, तो इट लुक्ड रियली नाइस। तो ये था फर्स्ट सूट जो मैंने आजियो से लिया, मैंने साइज एल लिया। नेक्स्ट मैंने आजियो से ली है एक स्कर्ट, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न था तो मुझे अच्छा लगा स्कर्ट का। ये है ब्रांड डी मोजा, एंड इसको मैंने लिया है लार्ज में, लेकिन ये मुझे टाइट है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, तो इसको मैंने एक्सेल में एक्सचेंज के लिए डाला है। बट दिस इज़ हाउ द स्कर्ट लुक, इसमें टू लेयर्स है और थोड़ा सा लुक इसका डिफरेंट है, इसीलिए मैंने इसको लिया, क्योंकि ये वाइट शर्ट, वाइट टॉप, शीयर टॉप के साथ बहुत अच्छा लगेगा फेस्टिव सीजन में। सो दिस इज़ द सेकेंड क्लोथिंग आइटम जो मैंने लिया आजियो से। देन मैंने आजियो से अभी एक ब्लाउज लिया हुआ है जो अभी तक नहीं आया है, मरून ब्लाउज है, थोड़ा यू नो स्टाइल वाला, बिकॉज मरून ब्लाउजेस बहुत रिक्वायर्ड होते हैं फेस्टिव सीजन में, तो उसको पहन के ही फाइनली मैं फेस्टिव दिखाऊंगी, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट मूविंग ओवर टू ज्वेलरी, मैंने आजियो से आजियो पे ना ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा ऑफ मिलता है, और मैं काफ़ी ज्वेलरी ले चुकी हूँ आजियो से। सो दिस इज़ अ सेट जो मैंने यू नो आजियो से लिया है, पर्ल सेट, बहुत ही अच्छा रीजनेबल रेट पे, बहुत ज़्यादा मतलब 2-2 हज़ार के सेट 300-400 में मिलते हैं आजियो पे, तो मुझे उससे क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जावेरी पर्ल्स एक ब्रांड आई थिंक उसका है, और उसका क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सो दिस इज़ हाउ द सेट लुक्स, और इसको मैंने अपनी वो फेस्टिव लुक बुक में पिंक वाले सूट के साथ पहना था, एंड इट लुक्ड रियली नाइस। बहुत ही अच्छा रॉयल टाइप का ये नेकलेस है, तो इसको मैं इयरिंग के साथ तो कभी नहीं पहनूंगी, क्योंकि ये भी बड़ा है, इयरिंग्स भी बड़े हैं, तो इनको मैं अलग अलग से पहनूंगी। नेक्स्ट मैंने आजियो से ज्वेलरी में लिया है ये यू नो मल्टी मोती सेट, बिकॉज ये भी बहुत एलिगेंट एंड क्लासी लगते हैं विद सूट्स एंड साड़ीज। सो दिस इज जस्ट अ मिनट, हाँ, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, एंड ये भी फेस्टिव ओकेजन पे बहुत अच्छा लगेगा, एंड ये ना एवरग्रीन है पर्ल्स, तो इसलिए मैंने लिए, एंड इस पर बहुत ज़्यादा ऑफ था। मैं इनके लिंक्स डाल दूंगी, सो यू कैन चेक इट आउट। ये भी आई थिंक मुझे 300-400 में पड़ा है, तो बहुत ही रिजनेबल, 2000 का इतना ज़्यादा ऑफ था। ये भी आई थिंक जावेरी पर्ल्स का ही है। नेक्स्ट मैंने लिया अमेजोन से एक पर्ल बैग, मैंने आपको वोहो बैग दिखाया था, उसी के यू नो एथनिक लुक्स के लिए मैंने ये पर्ल बैग लिया है, और ये साड़ीज़ के साथ, सूट्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ फ्रॉम अमेजोन, ये कोई ब्रांड था जो हैंड क्राफ्टेड आइटम्स बनाते हैं, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसको भी मैंने लुक बुक में लिया था, आप देख सकते हैं हाउ इट लुक रियली नाइस। ओके, नेक्स्ट मैंने लिए थे कुछ आइटम्स अलाया बाय स्टेज ट्री से, मैंने आपको इसका पार्ट वन जो है पिछले वाले हॉल में भी दिखाया था। सो मेरे कुछ और आइटम्स आने बाकी थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ जो अब आए हैं। तो मैंने जो फ्लोरल श्रग है उसी की यू नो टाइप का एक ब्लैक श्रग भी लिया, बिकॉज मुझे श्रग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं इनको बहुत वेज में स्टाइल करती हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे पीसेस
प्रोसेस में इन्वेस्ट करती हूँ जो मैं बार बार डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकूँ. सो दैट्स वाई आई डोंट इन्वेस्ट मच इन प्रिंट्स. मैं सॉलिड्स में इन्वेस्ट करती हूँ, उसको ज्वेलरी के साथ स्टाइल करके बहुत सारे लुक्स बनाती हूँ. सो दिस इज़ हाउ द श्रग लुक्स. इस तरह का श्रग है ये, इसमें सेंटर में और साइड में इस तरह की मिरर वाला काम है. ये वाला जो श्रग है इसका ये मिरर नहीं निकल रहा है, वो पहले वाली श्रग का फ्लोरल वाले का मिरर बहुत निकल रहा था, बट इसका बिल्कुल नहीं निकल रहा है. सो दिस इज़ द श्रग और ये मुझे बहुत अच्छा लगा. ये बहुत सारे शैम्पेन स्कर्ट के साथ, ब्लैक स्कर्ट के साथ, जीन्स टॉप के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा लगेगा. एंड नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम जो मैंने अलाया से ली वो है ये टॉप. एंड गाइज दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई लव फ्रॉम देम. ये जो टॉप है ये मुझे बहुत ही अच्छा फ्लोई बटरफ्लाई टॉप है. मैं वीडियो लगाती हूँ जो मैंने लुकबुक में पहना था. एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप है जिसको मैं कैजुअली जीन्स के साथ भी पहन सकती हूँ और मैं फेस्टिव ओकेजन में ज्वेलरी के साथ भी पेयर अप कर सकती हूँ. इसका जो कपड़ा है दैट इज़ ऑल्सो रियली सॉफ्ट एंड फ्लोई, तो मुझे ये टॉप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मतलब ये बेस्ट चीज़ लगी आउट ऑफ एवरीथिंग दैट आई बॉट फ्रॉम अलाया बाय स्टेशनरी. सो ये टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा. नेक्स्ट मैंने लिया एक कैमी टॉप, श्रग के साथ अंदर पहनने के लिए. जब मैं स्कर्ट और श्रग पहनूंगी तो उसके लिए मैंने एक कैमी टॉप लिया है. दिस इज़ लाइक ओकेश, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है एंड ऐसा नहीं है कि बुरा भी लग रहा है. सो इट इज़ लाइक ओकेश. तो ये एक क्रॉप टॉप लिया है मैंने शख्स के अंदर पहनने के लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको दिखाऊंगी एक पार्टी शर्ट जो मुझे एक ब्रांड ने भेजी थी. द ब्रांड इज कॉल्ड स्विश बॉस ऑफिशियल. तो ये है वो पार्टी शर्ट. आई लव दिस शर्ट सो मच. ये मिंट कलर में है और इसमें इस तरह की सीक्वेंस में बटरफ्लाई बनी हुई है. एंड इस जो शर्ट को है अगेन मैं इंडो वेस्टर्न लुक्स में फेस्टिव लुक्स भी क्रिएट कर सकती हूँ, पार्टी लुक्स भी क्रिएट कर सकती हूँ, एज वेल एज मैं ब्रंच लुक भी क्रिएट कर सकती हूँ. तो मुझे ये शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई. एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए, बिकॉज मैं ये पहन के स्टाइल करके वहाँ रील्स में ज़रूर डालूंगी. So guys, that's it for the festive haul part 2. I hope आपको ये festive series पसंद आ रही है. And thank you so much इतने ज़्यादा प्यार के लिए series को, because बहुत अच्छे अच्छे views and comments आ रहे हैं. And वो दुर्गा पूजा वाला जो look था मेरा, साड़ी वाला, गोल साड़ी, oh my god, it was such a hit. आप सबको इतना ज़्यादा पसंद आया. मुझे Instagram पर, YouTube पर इतना ज़्यादा उमड़ उमड़ के प्यार मिला guys. So thank you so much मेरी मेहनत को सफल करने के लिए, because it is right now 4 AM in the morning और मैं ये video shoot कर रही हूँ. बिकॉज एज यू ऑलवेज नो कि नवु के साथ मुझे रात को ही टाइम मिलता है जब वो सो जाती है. सो नॉट एग्जैजरेटिंग एनीथिंग, बस ये कह रही हूँ कि इतनी मेहनत करती हूँ तो आप लोग प्यार देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और यही मोटिवेट करता है मुझे हार्डवर्क करने के लिए. सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. लेट मी नो इन समय से कौन सा आइटम आपको सबसे अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा. तो कुछ गप शप करेंगे, गपबाजी एंड ऑल दैट. एंड मैं सारी प्रोडक्ट्स जो लिंक डाउन करने की कोशिश करूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा तो आई कांट हेल्प इट. तो बस ये था आज का वीडियो. गिव मी अ थम्स अप अगर आपको अच्छा लगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए पर्की मेक जिंदगी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए गाइस. मतलब कसम से बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आ रहा है वहाँ और आता जा रहा है. तो डू फॉलो मी देयर. मैं इंस्टाग्राम हैंडल पर्की मेक्स. तो मिलती हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में. फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश. बाय बाय.